नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आम आदमी पार्टी इन दिनों चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। आप कार्यकर्ता प्रदेश के कई विधानसभाओं में जाकर केजरीवाल मॉडल की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की गारंटी कार्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं और साथ ही क्षेत्र की जनता से वहां की समस्याओं को लेकर बातचीत कर राज्य में सरकार बनाने और उन समस्याओं के समाधान की बात कह रहे हैं। देखा जाए तो जनता में आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों से काफी संख्या में इस मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण भी करवाया जा रहा है। चुनावी तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट चुकी है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना दबदबा जमाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों का पंजीकरण कराया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी अपने मुख्य मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंची है। वहीं पंजीकरण के माध्यम से लोगों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसके बाद जनता भी आम आदमी पार्टी से काफी खुश दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से चल रहे ग्रेड पे मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों के परिजन ग्रेड पे के मसले पर गांधी पार्क में इकट्ठा हुए। परिजनों ने गांधी पार्क पहुंचकर पहले सांकेतिक धरना विरोध किया, फिर जमकर नारेबाजी की। वहीं हाथों में तख्तियां लेकर महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। इस बीच सीओ सिटी और प्रदर्शन में शामिल होने आए एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार खुद इस मामले को बेहद संजीदगी से शासन स्तर पर लगातार उठा रहे हैं और मामले का हल निकाले जाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। मंत्री सुबोध उनियाल ने खुद कुछ दिन पहले बयान जारी कर जल्द से जल्द हल निकालने का भरोसा दिया था। तो देहरादून में इस वक्त पुलिसकर्मियों के परिजन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रेड पे मामला जो है इस वक्त वो देहरादून में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से लगातार पुलिसकर्मियों के परिजन विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून में भी भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां परिजनों ने हाथ में तख्तियां लेकर सरकार का विरोध किया और ग्रेड पे के मामले में सरकार से मदद मांगी। हरिद्वार में कई युवाओं ने कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष तेलू राम प्रधान की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों और भाजपा की गतिविधियों को देखते हुए आज युवाओं में भाजपा के प्रति भारी रोष है, जिसके चलते आज युवाओं ने एक मन बनाकर कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है, जो सबके हित के विषय में कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार जनमानस कांग्रेस की तरफ झुकाव है, आज सैकड़ों युवाओं ने जिस प्रकार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, यह निश्चित रूप से एक संदेश है कि 2022 की सरकार कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। और मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ सभी साथियों को और उत्तराखंड सरकार को कि जिस प्रकार युवाओं का रुझान, जिस ओर युवा चलता है उस ओर कहानी चलती है और उस ओर ही जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ही जो है जमाना चलता है। तो इसी मुहारे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जवानी और जमाना कांग्रेस की तरफ चलना शुरू हो गया है। निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार 2022 में उत्तराखंड में बन। हरिद्वार से ये खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व जिला अध्यक्ष तेलू राम ने युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कराया है। आपको बता दें कि कई युवा इस वक्त कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष तेलू राम ने सभी युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। अल्मोड़ा से सटे माल गांव को जोड़ने वाली सड़क आखिरकार बन ही गई। लंबे समय से ग्रामीण इस सड़क की मांग कर रहे थे। सांसद अजय टमटा, अल्मोड़ा विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने इस सड़क का शिलान्यास किया।
वहीं इस मार्ग से लगे देवली के ग्रामीणों ने इसका विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने विधायक सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इस नए मोटर मार्ग से 100 मीटर दूर उनके गांव को छोड़ दिया गया है। विरोध हमारे कर रहे हैं सर, ये जो ये सड़क जा रही है सर, इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई अनुमति वो नहीं लिया गया। और बीच हमारे ही जो है जो इसमें पहले यहाँ का जो निर्णय हुआ था, ये होता करबला टू माल, तो सर इन टाइम पर ये हमारे ही फॉरेस्ट ने कंपाउंड नंबर 3 से डाली जा रही है, इसलिए हमारे गांव की आम जनता को क्या सभी को परेशानी हो रही है। इससे हमें ऐसा नहीं है, ये जो मोटर मार्ग का जो निर्माण आज हुआ है, मैंने कहा कि आज़ादी के बाद 75 साल हमको आज़ादी भैया हो गए हैं और ये जिला मुख्यालय के नाक के नीचे हमारा मालगाँव है। और मालगाँव कोई छोटा गाँव नहीं है, बहुत बड़ा गाँव है और बहुत खड़ी चढ़ाई इस गाँव के अंदर है। तो हमारा जो उत्पादन वाले क्षेत्र थे, जो हमारे गाँव मालगाँव में पशुपालन का काम बहुत अच्छा होता है, सब्जी उत्पादन का काम होता है, बहुत अच्छी सब्जी हमारे जैविक सब्जी वहाँ पैदा होती है, तो माताओं को बहनों को बुजुर्गों को नौजवान शांति को सर से ढोना पड़ता था और लगातार उनकी मांग माल गांव में रोड बनाने की थी। और तो सौभाग्य हमको मिला आज हमारे सांसद जी में, सांसद जी का तो अल्बोड़ा में आज ग्रामीणों को नई सड़क की सौगात मिल चुकी है। आपको बता दें कि आज क्षेत्रीय विधायक और कई मंत्रियों ने पहुंचकर इस सड़क का उद्घाटन किया है। वहीं सड़क बनने के बाद दूसरे गांव के लोगों ने इस सड़क का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही दूरी पर मौजूद उनके गांव को इस सड़क के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। एक बार फिर से राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने लंबे समय बाद भू कानून की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। इसी को लेकर आज शहीद स्थल झूला घर पर शहर के तमाम राज्य आंदोलनकारी एकत्रित हुए और उन्होंने भू कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया और बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भू कानून की मांग बढ़ती जा रही है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि सशक्त भू कानून राज्य में लागू किया जाना चाहिए और हिमालय की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भू कानून को लागू किया जाना चाहिए। देखिए, हम जहां पर खड़े हैं ये वो पावन धाम है और शहीदों की वो शहादत स्थल है जहाँ उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए जो है 7 आंदोलनकारी शहीद हुए हैं और यहाँ से ही निर्णायक आंदोलन शुरू हुआ और उत्तराखंड राज्य बना। आज 21 साल हो गए हैं और 21 सालों में आंदोलनकारियों ने ये महसूस किया है कि जो ये जिन भी पार्टियों की सरकार बनी है उन्हें केवल सत्ता भोगी है और उत्तराखंड के जो तमाम संसाधन हैं उनको भारी ताकतों के हाथ बेच दिया है और उत्तराखंड जो है बर्बादी की कगार पर है। जो सपना उत्तराखंड राज्य को लेकर के था वो सपना कहीं पूरा नहीं। तो देहरादून में इस वक्त भू कानून को लेकर एक बार फिर से मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों ने एक साथ एकत्रित होकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद से लगातार भू कानून की मांग उठाई जा रही है। आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से हिमाचल में भू कानून को लागू किया गया है, इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। हरिद्वार में सत्यम ऑटो कंपनी से निष्कासित कर्मचारियों ने भेल मजदूर कल्याण परिषद कार्यालय पर एक बैठक की। बैठक में मौजूद कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा दिखाई दिया। कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन के द्वारा उन लोगों को जबरदस्ती उठाकर जेलों में डाला जा रहा है, जो दर्शाता है कि शासन प्रशासन भी पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमें एक बार जेल में डाले या 1000 बार, हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर ली जाती। हरिद्वार में इस वक्त कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भेल मजदूर कल्याण परिषद की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कंपनी से निष्कासित कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से कर्मचारियों को जेल में बंद किया जा रहा है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि उद्योगपतियों की शरण में इस वक्त सरकार है और उद्योगपतियों की ही बात इस वक्त सरकार मान रही है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी भी दी है। उन्होंने सरकार से चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार उन्हें जितनी बार चाहे जेल में बंद कर सकती है, पर वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता।
ऋषिकेश में लगातार शांत माहौल में कुछ अराजक तत्व अपराध को बढ़ावा देते हुए अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने कई लोगों को एकत्र कर बिगड़ते माहौल के बारे में जानकारी साझा की और उन लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। आज की परिस्थिति को देखते हुए मेरे जो जिला पंचायत क्षेत्र में हैं, जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं, उन सबको मैंने निवेदन करा कि आप सबसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। और मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे क्षेत्र में यूनिसेक्स सैलून ना हो, अगर जेंट्स है तो जेंट्स पार्लर हो, अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स पार्लर हो, क्योंकि आज के टाइम पर जो ये घटनाएँ हो रही हैं, हमने देखा है लव जिहाद जैसी घटनाएँ हो रही हैं, और ये जो यूनिसेक्स पार्लर बनाए जा रहे हैं, ये कुछ किसी उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं जो समाज की गतिविधियां खराब करें, तो इसके सख्त मैं विरोध में हूं। और मेरे को आज जो हमारी बहनें हैं उनका समर्थन भी मिला है, और आने वाले टाइम पे रक्षाबंधन से पहले एक बड़े स्तर पे हम मीटिंग करने वाले हैं। ऋषिकेश में आज बैठक आयोजित की गई है, आपको बता दें कि जहां पर जिला पंचायत सदस्य ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, जहां पर उन्होंने बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जनता से अपील की है, साथ ही जनता के साथ जानकारी भी साझा की है। उन्होंने कई तरीके की मांग रखी है, जिसमें उन्हें कई महिलाओं का समर्थन मिला है। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने प्राइम टीवी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ ही वक्त बाद वह एक बड़े स्तर पर बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग चाहते हैं, जिससे उत्तराखंड में बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। ऋषिकेश क्षेत्र में इनर व्हील क्लब सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़कर कार्य कर रहा है। इस साल अध्यक्ष पद की कमान राधा जैन और सचिव की कमान मोनिका गर्ग को सौंपी गई है। नव नियुक्त पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल उनके क्लब की थीम पिंक फर्स्ट है, जिसके तहत महिलाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़कर मजबूत बनाना होगा, साथ ही जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को सशक्त करने के क्षेत्र में भी क्लब कार्य करेगा। मेरे को इनर व्हील क्लब ने ये अवसर दिया है, मौका दिया है कि मैं इसमें सेक्रेटरी बनी हूँ। मैं चाहती हूँ महिलाओं को, मैं जहाँ तक भी जो मतलब अंदर अंदर जो महिलाएं रहती हैं जिन तक पहुँच नहीं होती, हम उनके लिए काम करें। अब जैसे हमें गरीब कोई है तो उसका एडमिशन कराना है स्कूल में, और कुछ भी किसी का शादी विवाह, कुछ इस तरह से जो भी कार्य होते हैं सामाजिक कार्य, मतलब मैं उनके लिए तत्पर हूँ। मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने से अच्छा कार्य कर सकूँ, मतलब और सबके समाज के सबके काम आ सकूँ। वॉलेंशन डे था तो उसमें मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है और मोनिका गर्ग को सेक्रेटरी चुना गया है। हम लोग महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं। इस साल हमारा पिंक फर्स्ट के तो ऋषिकेश में इनर व्हील क्लब का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में नव नियुक्त अध्यक्ष और सचिव को पद की कमान सौंपी गई है। वहीं अध्यक्ष पद और सचिव पद पर तैनात महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार इनर व्हील क्लब की थीम पिंक फर्स्ट होने वाली है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी तवज्जो दी जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मियां तेज हो चली हैं। इसी क्रम में भाजपा नंदप्रयाग मंडल के पदाधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा सरकार के हितकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोर शोर से जुट जाने की बात कही गई है, जिसके लिए बैठक में खास रणनीति भी तैयार की गई। नमस्कार, आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल नंदप्रयाग की मंडल कार्य समिति की बैठक नगर पंचायत टाउन हॉल में आहूत की गई, जिसमें सभी बूथों के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष एवं सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। और इसमें मंडल कार्य समिति में आगे की जो भी भाजपा की जो भी रणनीति है, जो भी योजनाएं हैं, उसके बारे में बात की गई और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने इसमें विचार रखे, अपने सुझाव दिए और सफल कार्यक्रम बनाने हेतु सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं अभिनंदन व्यक्त।
और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।